नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा थोरिया। 1 अगस्त से शुरू हुए वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक का आज अंतिम दिन है। इस हफ्ते में विश्व भर में स्तनपान से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने के साथ ही ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। आपको बता दें, कोरोना महामारी को देखते हुए विशेषज्ञ ब्रेस्ट फीडिंग को बेहतर बता रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ बच्चों के विकास के लिए ही जरूरी नहीं, बल्कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भी बच्चों के शरीर को जरूरी शक्ति प्रदान करता है। इस बारे में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की प्रमुख डॉक्टर मंजू पुरी का कहना है कि देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम जारी है, जिसमें ब्रेस्ट फीड कराने वाली महिलाओं को भी वैक्सीन दी जा रही है। इसके 2 फायदे हैं। पहला ये कि मां सुरक्षित है और दूसरा ये कि मां के दूध के जरिए बच्चे तक वैक्सीन का असर पहुंच रहा है। डॉक्टर पुरी का कहना है कि अभी तक बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं आई है, लेकिन मां के जरिए बच्चे के शरीर में एंटीबॉडीज जा रही हैं। उनका कहना है कि एक मां जो भी खाती है उसका असर दूध पीने वाले शिशु में नजर आता है। यही असर वैक्सीन के साथ भी देखा गया है। अगर मां स्वस्थ है तो बच्चे पर भी इसका असर पड़ेगा। वह इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के कोविड टास्क फोर्स ऑपरेशन ग्रुप है और वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एन के अरोड़ा का कहना है कि स्तनपान माँ और बच्चे दोनों के लिए फायदेमंद है। वैज्ञानिक रूप से देखी तो माँ के दूध से ही बच्चे में पोषण जाता है, जैसे कि जन्म से पहले भी होता है कि बच्चा माँ के गर्भ में माँ से ही सांस से लेकर भोजन तक उसे मिलता है। वहीं जन्म के बाद उसे जरूरी चीजें भी माँ के दूध से ही मिलती हैं। यही वजह है कि बच्चों के लिए कम से कम 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध दिए जाने की सलाह दी जाती है। डॉक्टर अरोड़ा कहते हैं कि देश में स्तनपान कराने वाली महिला अगर वैक्सीन लगवाती है तो उससे बच्चे के शरीर में भी कोरोना के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। अगर माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाती और वैक्सीन लगवाती है तो उसका फायदा सिर्फ महिला तक रहेगा, लेकिन स्तनपान में वैक्सीन का असर बच्चे तक भी पहुंच जाता है। इसलिए जरूरी है कि माँ अपने बच्चों को स्तनपान जरूर करवाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।